बुजुर्गों को प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, नमन, अपनों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। आप सभी का स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। आज वेरी हैप्पी बर्थडे टू लड्डू गोपाल जी। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि आज का जो दिन है वह लड्डू गोपाल जी लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे और उसके साथ साथ ही योग माया जी का भी बर्थडे है। योग माया कौन थी? योग माया वह कन्या थी जिनको कंस ने जब पटक कर मारा तो उन्होंने आकाशवाणी करी थी कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। तो उनका भी बर्थडे है, उधर उनका जन्म हुआ था और उधर जो है लॉर्ड कृष्णा का हुआ। और आप जानते ही हैं सारे, जैसे ही लॉर्ड कृष्णा की बात आती है, जन्म अष्टमी की बात आती है, तो हमारे सामने क्या क्या पिक्चर आते हैं, वही कि लॉर्ड कृष्णा जो है उनको सूप में लेकर के वसुदेव जी जा रहे हैं गंगा भीम जमुना जी के उसमें से, बारिश बहुत घनघोर है और ऊपर से जो है शेष नाग ने आकर के जो है लॉर्ड कृष्णा को बचाया बारिश से। और फिर दूसरा कालिया नाग का वध, तीसरा अर्जुन को उपदेश, गीता उपदेश और रासलीला। तो इस प्रकार से जो है अत्यंत अत्यंत जो छवि जो है हमारी आंखों में, और एक बहुत ही सबसे प्यारी जो छवि है लॉर्ड कृष्णा की वह है मुंह में जो है, सब तरफ से उनका मुंह जो है मक्खन से लिबरा हुआ है और वह कह रहे हैं मैया मैं नहीं माखन खाए। वो आप कैसे भूल सकते हैं। अभी परसों ही मैंने एक भजन सुना बहुत ही प्यारा कि जिसमें उन्होंने बताया कि मैया मैं नहीं माखन खायो, और लास्ट में इतना सुंदर उन्होंने गाने वाले ने जो है अनुप जलोटा जी ने बताया कि मैया मैंने ही माखन खायो। वो मान भी जाते हैं, बता भी देते हैं, सच भी बोल देते हैं कि मैंने ही माखन खायो। तो ये बहुत ही सुंदर भजन है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो आइए आज का जो इस अवसर को मैंने लेना चाहा आज के संदर्भ में जो है ज्योतिषाचार्यों की बेइज्जती या उनके साथ दुर्व्यवहार, उन पर अत्याचार, क्या इस पर कानून में कोई संरक्षण है, कानून और ज्योतिषाचार्यों का अपमान, क्या इस पर कोई PIL होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कानून और बुरा कर्मकांड, कर्मकांड का ज्ञान जो कि बुराई दे रहा है। देखिए हर चीज की मेरिट एंड डिमेरिट्स हैं। जिस प्रकार से परमाणु ऊर्जा का हम यूज करते हैं तो हमारे जो प्लांट्स चलते हैं और हमें बिजली मिलती है, उसी प्रकार जब बुरे वेपन्स बन गए जो कि नरसिंहार करने लगे तो फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे जो है एक ट्रीटी साइन हुई कि भाई इनका जो ऐसे जो हथियार हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है जनसाधारण को, तो इनका जो है प्रसार जो है रोका जाए। उसमें हमारा देश भारत भी एक सिग्नेटरी है, रेटिफाई किया है हमने भारत ने। जब हम इंटरनेशनल लेवल पर हम इतनी बड़े बड़े हमारा देश कार्य करता है तो हमें हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं जो सजग हैं और देवज्ञ हैं और इतनी अच्छी विद्या ज्योतिष विद्या जिसका नाम ही है ज्योति ईश, जो हमारे आचार्यों ने ऋषियों मुनियों ने अपने जब तप से उस विद्या का संग्रह किया और उससे जनसाधारण को, जिसे कि कहा जाता है ऋषि मुनि होली मैन, ये सब क्या हैं, इन सब ने जो तपस्याएं करी उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान है ज्योतिष। जैसा कि गुरुवाणी में भी कहा गया है कि धुर की वाणी आई, धुर की वाणी क्या है, गुरु नानक देव जी ने किस वाणी को संजोया, वह जब बैठा करते थे ध्यान लगा के तो जो वाणी उनको सुनाई देती थी वह जो है कहते थे और उसको जो है बाला जो है लिखते थे बालाजी और मर्दाना जी जो है रबाब बजाते थे। तो वही दूर की वाणी है, वही ज्योतिष है, ईश्वर की ज्ञान। तो हम इसका जो जिस तरह से आप देखिए वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, और इतना बुरा बुरा लोग लिखते हैं, इतने बुरे बुरे कमेंट लिखते हैं, इवन की गालियां तक लिख देते हैं, ये क्या है, ये अपमान क्यों, ज्योतिषाचार्यों का अपमान क्यों। वो उनका IPR है, उनकी इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल उनका प्रॉपर्टी राइट है, अधिकार है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या कानून है, एक तो IPR है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अगेंस्ट जाएं, दूसरा एक IT Act है। IT Act में क्या है कि धारा 505 से लेकर के 507 तक अगर कोई भी व्यक्ति आपके इस तरह से जो है किसी भी प्रकार से गैजेट का यूज करके आपको हरेस करता है, आपको प्रोवोक करता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करता है, तो उस केस में जो है आप
आईटी एक्ट के अंतर्गत भी एक्शन ले सकते हैं और उस इंसान को, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने वाले इंसान को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है, यह भी है। लेकिन बात अब यह है कि क्या यह दो एक्ट जो हैं, क्या ज्योतिषाचार्यों के लिए सदुपयोगी हैं? जी नहीं, क्योंकि अगर ज्योतिषाचार्य हमारे इन कानूनी दांवपेच में ही उलझ जाएंगे तो वह अपना अध्ययन कब करेंगे? तो वह अपने अध्ययन को जनसाधारण तक कब पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे? उनका तन मन धन का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इनडिस्पेंसिबल, जो कि दुर्लभ है, वह क्या है? समय। टाइम इज द मोस्ट इनडिस्पेंसिबल रिसोर्स। जो समय अभी निकल गया वह दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये बताइए, क्या ये जस्टिफाइड है कि हमारे ज्योतिषाचार्य जो हैं वो आईटी एक्ट में जाए या आईपीआर में जाकर के जो है केस दायर करें और फिर होगा क्या? कुछ नहीं होता है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आईटी एक्ट के अंतर्गत मैंने उन फोन नंबर्स को निकलवाया, उन फोन नंबर्स की लोकेशन को पता लगाया कि वो कहां पे हैं और कहां से वो भद्दे जो हैं मुझे एसएमएस आ रहे हैं, और हरिद्वार के जो उस समय के एसएसपी थे डॉक्टर मुर्गेशन, उनके अंदर ये केस था, और पहली, हमारे देश की पहली महिला डीआईजी जो बनी थी मिस चौधरी, उनके पास मेरा केस गया और उन्होंने आगे आदेश दिए। उसके बावजूद भी आज तक वह क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने वाला व्यक्ति पकड़ा नहीं गया, जबकि सबको मालूम है और रुड़की से ये जो है आए थे, और जो उस स्थान की लोकेशन भी है बीएसएनएल ने मुझे प्रोवाइड करी, और दोनों ही फोन नंबर जिसके नाम पर थे वह भी मुझे मिला, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो वेरी सॉरी टू से दिस कि इस प्रकार से आईटी एक्ट मुझे नहीं लगता कि जो ज्योतिषाचार्यों को कुछ लाभ पहुंचा पाएगा। दूसरा रहा, तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें क्या अब समय नहीं आ गया है कि हमें ज्योतिषाचार्यों को एक पीआईएल डालनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, कि इस तरह से हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों, और उसके लिए डायरेक्ट पनिशमेंट क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे किसी का आया, जैसे कि अभी एक मेरे पिछले उसमें आया वीडियो में, सबसे पहले किसी ने कहा कि जी मैडम आप कितने पढ़े हो, आप मुझे ये बताइए किसी ज्योतिषाचार्य की विद्या से, मेरे आईपीआर से किसी की पढ़ाई का पूछने का क्या अधिकार है कि कोई मुझसे पूछे कि आप कितने पढ़े हो? फिलहाल मैंने फिर भी उसका सम्मान रखते हुए कहा, मैंने कहा वेलकम टू माई न्यूज चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल, अगर आप ज्योतिष से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते तो ज्यादा अच्छा होता, तो मैं उसका जवाब देती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछा मैं कितनी पढ़ी हूं, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस पर और डालूंगी, तो वह हमारे जो यंग इंडिया है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो होगा कि किस तरह से मैंने कहां तक मैं आगे निकलती चली गई और मैंने क्या क्या किया और क्या क्या कोर्सेस किए, तो मैं डालूंगी। तो उसके बाद फिर से उस जीत व्यक्ति का मुझे मैसेज आता है, कमेंट आता है, आप धूप मैडम आप झूठ की दुकान चलाते हो, मुझे यह बताइए क्या ज्योतिष झूठ है? अगर मैंने बताया चंद्रमा के बारे में, शनि के बारे में और ग्रहों के बारे में, अमावस पर डूज एंड डोंट्स कि क्या करें क्या ना करें, क्या वह झूठ है? क्या मतलब है इस तरह के कमेंट देने का? कौन इंसान इतनी, क्यों कोई इंसान मेरे इमोशंस के साथ, मेरी विद्या के साथ खिलवाड़ करेगा? इसलिए आईपीएल होनी चाहिए और मैं करूंगी। दूसरी बात, कानून और कर्मकांड। कर्मकांड क्या है? जब लॉर्ड कृष्णा को मारने के लिए पूतना ने यह कहा कि मैं अपने वक्षस्थल से दूध पिलाऊंगी और वो मर जाएंगे, वह भी एक प्रकार का कर्मकांड था। और जो जीनोसाइड की बात है, तो इसमें तो लॉर्ड कृष्णा की जीवनी से बड़ा कोई जीनोसाइड का एग्जाम्पल मिल ही नहीं सकता, जहां पर कि मामा कंस ने यह कहा कि मैं अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के किसी बच्चे को जीवित रहने ही नहीं दूंगा, तो मुझे कौन मारेगा? ये क्या था? ये जीनोसाइड था कि उस पति पत्नी और विशेषकर जो देवकी, उनका अधिकार, एक शादीशुदा महिला का अधिकार, बच्चे रिप्रोडक्टिव अधिकार, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, ध्यान से प्लीज सुने आप इसको, मैंने बहुत सुंदर ज्योतिष को और मैंने जो हमारा लॉ है उसको मैंने किया है, मिक्स किया है और आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश है, और मैं सभी इसमें आचार्यों का भी आह्वान करूंगी। तो उस समय में क्या हुआ कि यह एक तरह का जिनोसाइड है कि किसी भी देवकी के किसी भी बच्चे को जीने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए ऊपर वाले का, ब्रह्मा का लिखा देखिए, लॉर्ड
शिवा की, लॉर्ड विष्णु जी की कृपा देखिए कि लॉर्ड कृष्णा को आना था और उनका जन्म हुआ और वे बचे भी और उन्होंने आगे क्या किया और सर्वश्रेष्ठ गीता वह आपके सामने है, गीता उपदेश आपके सामने है। आइए अब थोड़ी सी बात कर लूं लॉ की। एक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक महिला को अधिकार दिया गया है, यह फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, आर्टिकल 21 में भी आता है और यह ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत भी है कि एक शादीशुदा महिला बेबी पैदा कर सकती है। लेकिन आज हमारे जनसाधारण में क्या हो रहा है, अगर महिला बहू जो है ससुराल में साथ में रह रही है और अगर वो प्रेग्नेंट है, 10-15 दिन की प्रेगनेंसी है और सास को पता चलता है कि बहू को पीरियड्स नहीं हुए तो वो बहू को ले जाती है डॉक्टर के यहां जबरदस्ती चेकअप के लिए और एबॉर्शन करवा देती है, कहती है नहीं हमें बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या है, पुत्र का जीन आगे ना पाए, पुत्र के बच्चे आगे ना पाए, यह भी तो जीनोसाइड है। ये क्या है, यह भी तो पुत्र वधु पर एक क्राइम है। दूसरी तरफ जो ज्यादा चतुर है वह कर्मकांडियों के पास पहुंच जाती हैं, बहू के अंतरंग अंडरगारमेंट्स लेकर के पहुंच जाती हैं कि कुछ कर दीजिए बहू प्रेग्नेंट ना हो पाए। फिर कुछ जड़ी बूटियों का दुरुपयोग करके खाने में मिला करके बहू को खिला दिया जाता है कि वह प्रेग्नेंट ना हो पाए। कि क्या है, यह कर्मकांड का दुरुपयोग है, बहुत बुरा, इससे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। सदियों से जो महिलाएं ऐसे दुरुपयोग करती हैं वह सदियों सदियों तक अपने बुरे कर्मों का संयोजन कर लेंगी, वो इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे सदियों सदियों तक। जो वो कर रही हैं आज बहुत स्मार्टनेस दिखा रही हैं, वे कैसे कैसे उनको प्रताड़ना मिलेगी आगे आने वाले जीवन में और उनकी पत्नी में क्या क्या योग बन जाएंगे, इस प्रकार से समय समझने की जरूरत है। यहां पर हमें क्या कोई कानून नहीं होना चाहिए, हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हम भारत देश के देशवासी हैं, इतना कुछ हो गया, 3 तलाक पर हो गया, 370 हट गया, बहुत कुछ हो गया, क्यों ज्योतिषाचार्य इतने क्यों बने रहे कमजोर कि वह जो है कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाएं, क्यों अपने कानून का सहारा ना ले, क्यों क्यों अपनी बेइज्जती सहे, क्यों अपने साथ दुर्व्यवहार सहे, किस लिए? किसी ने ठीक ही कहा है, अगर जुल्म करना बुरा है तो जुल्म सहना भी बुरा है। हमें जागना होगा, हमारे ज्योतिषाचार्यों को, मैं संपूर्ण देश के ज्योतिषाचार्यों का आह्वान करती हूं और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु मुझे इतनी बख्शिश दे कि मैं जल्दी ही हमारे जितने बड़े बड़े देवज्ञ ज्योतिषाचार्य हैं उनकी एक मैं कॉन्फ्रेंस रख सकूं, उनको अंडर वन अम्ब्रेला ऑफ द रूफ ला सकूं और उनसे इस विषय में मैं चिंतन मनन कर सकूं। तो इस प्रकार से यहां पर मैं बताना, मैंने एक बहुत ही शॉर्ट में मैंने सब कुछ कह दिया, मैंने बता भी दिया आपको। यहां पर एक पुट्टा स्वामी की रिपोर्ट भी है, बहुत मानी जानी इस मामले में है कि एक महिला के जो है रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में एक बहुत अच्छा जो है एक निर्णय आया था। पुट्टा स्वामी के नाम से ही जाना जाता है वह, पुट्टा स्वामी जस्टिस, यहां पर नोटेबल जस्टिस था ये, इसका भी रेफरेंस मैंने यहां पर दे दिया। अब आइए मैं आह्वान करती हूं उन सभी ज्योतिषाचार्यों का, इसमें मैं हमारे आचार्य अजय बांबी जी, आचार्य अनिल वत्सी, आचार्य डॉक्टर एच एस सावत जी और हमारे आचार्य लाल किताब के महारथी जी डी वशिष्ठ जी और गुरुदेव अरविंद शिरमाली जी, गुरुदेव सुरेश शिरमाली जी, आचार्य कमल शिरमाली जी और आचार्य कमलनाथ जी और आचार्य ज्योतिषाचार्य अक्षय शर्मा जी जो कि मोगा से हैं और हिमाचल के आचार्य जी, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा आचार्य शर्मा जी उनका, इसी प्रकार से साउथ से भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे आचार्यगण हैं और केपीयू शास्त्र पे काम करने वाले आचार्य जी, मैं इन सभी का आह्वान करती हूं और मेरी हाथ जोड़ करके इनसे वंदना है कि अगर यह मेरी वीडियो उन तक किसी भी प्रकार से उनके किसी प्रेमी के माध्यम से अगर पहुंचती है तो कृपया भी ये मेरी वीडियो उन तक सब तक जरूर पहुंचाए। मेरी उनसे हाथ जोड़कर वंदना होगी कि हमें बुरे कर्म कांड जो कि महिलाएं अपनी बहुओं पर यूज करती हैं और उनके बच्चे होने, मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगी, जो मैंने एक नया चालू किया है सीरीज क्राइम टाइम एस्ट्रो क्राइम,
जो मैंने शुरू किया है उस एस्ट्रो क्राइम पे मैं दूंगी उन सभी लोगों की व्यथा बारी बारी से जो मेरे पास केसेस आए कि किस तरह से बहु बच्चा पैदा ना कर सके, क्या क्या हुआ उनके ससुराल में, एक एक वीडियोस आती जाएगी। तो यहां पर क्यों और इस पे स्पेशली इस समय पे कार्य करना क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है हमारी आने वाली जनरेशन पर। कॉमन फ्यूचर, क्या जरूरत पड़ी यूएन को आवर कॉमन फ्यूचर पे चर्चा करने की, क्या जरूरत थी अर्थ समिट करने की, क्यों हमारा देश इन सब उसमें जो है रेटिफाई उन्होंने किया, क्यों हमारा देश इसमें जो है सम्मिलित हुआ, किस लिए, क्यों, आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए। और यहां पे हमारे घरों में हमारे पुत्र के आगे आने वाली जनरेशन के साथ ही खेला हो जाता है, उसको आने ही नहीं दिया जाता, चाहे पुत्र रूप में आने नहीं दिया जाता, चाहे पुत्री रूप में आने नहीं दिया जाता, कहीं पर फिटस जो है फीमेल फिटिसाइड हो जाता है कि नहीं हमें अब कन्या नहीं चाहिए इसलिए अबॉर्शन कराओ, तो कहीं पर सास को यह लगता है कि बहू के बेटा पैदा हो जाएगा तो उसका अधिकार बन जाएगा इसलिए पैदा मत होने दो बच्चा। यह हमारी फ्यूचर जनरेशन की बात है। तो ये पूरी पूरी जिम्मेदारी है हमारे ज्योतिषाचार्यों की, जो कि भविष्य आगे पीछे प्रेजेंट पास सब देख करके मदद करते हैं जनसाधारण की, यह उनकी जिम्मेदारी है कि आगे यह क्राइम ना बढ़े जिससे कि और ज्यादा दुनिया इस मामले में दुखी ना हो, बहुओं को गलत सही चीजें उनकी सांसें ना खिला दें, उनकी फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक ना कर दें, उनके यूट्रस को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचा दें। हमारे ज्योतिषाचार्यों को इस पर विचार करना होगा, क्या हमें इस समय इस पर एक पीआईएल दायर करनी चाहिए, यह मेरा सवाल है और इसी पर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा और योग माया जी का बर्थडे है। हमें इस अच्छे बर्थडे जिस पे कि लॉर्ड कृष्णा इस जन्म में आए, उनका जन्मदिन, इस पे हमें जन्म से रिलेटेड जो भी कर्मकांड कहीं पर होते हैं उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी, पीएल दायर करना होगा। और प्रेगनेंसी के टाइम में मार कुटाई करके जो महिला का अबॉर्शन करवा दिया जाता है या उसको खिला करके कोई चीजें अबॉर्शन करवा दी जाती हैं, वह भी क्राइम है। क्राइम तो सब है, लेकिन जब हम इस पे एक्शन नहीं लेंगे, जब हम कुछ करेंगे नहीं, आगे इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो कैसे होगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, वंदना है कि इस पर विचार दें, कमेंट्स दें कि क्या इस विषय पर पीआईएल दायर होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ये दो पीआईएल है जो मैंने कहा, एक ज्योतिषाचार्यों का अपमान होने पर और दूसरा कर्मकांड, बुरे कर्मकांड पर, अच्छे कर्मकांड पर नहीं। अच्छा कर्मकांड अपने आप में बहुत अच्छा है, यंत्र मंत्र तंत्र बहुत अच्छा है, हम उसी से हम पूजा पाठ करवा करके जो है हम जनसाधारण का भला करते हैं, उनको बताते हैं, दान पूजा करने का बताते हैं, उसी से उनका फायदा होता है, उसी से उनको रोगों का निदान होता है, उसी से उनके कुष्ठों का निदान होता है, वह शुभ कर्मकांड है। मेरा यहां पर विशेष यह है, कानून और बुरा कर्मकांड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को कम से कम जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर कर दें। मैं ये कहना चाहूंगी अगर एक व्यक्ति इस वीडियो को देखता है तो कम से कम 10 लोगों को तो आप शेयर कर ही दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।